अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सूफियाज को खास में आप सभी शेफ्स का वेलकम। सूफियाज को खास में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन रान। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मसाले देख लेते हैं। ये खुशबू वाला मसाला 1 टीस्पून और 3 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, और ये हमने धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर रोस्ट कर लिया है, 1 लेमन और 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और ये बादाम कुछ 4 टेबल स्पून बादाम का पाउडर और 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 3 टेबल स्पून काजू का पाउडर, और ये 4 टेबल स्पून हमने रोस्ट करके रखा हुआ है कोकोनट पाउडर, और 5 ये मीडियम प्याज को हमने फ्राई करके रखा हुआ है, 4 टेबल स्पून हमने लिया है ये पपीते का पेस्ट, और 1 कप है दही। तो हम लोग इसको मसाला तैयार करते हैं। इसको पीसना है हमें जार में डाल करके, तो दही के साथ ये सारी चीज़ें पीस लेंगे, सिर्फ लहसुन अदरक और पपीते का पेस्ट नहीं डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक साथ डाल के पीस लेंगे, और नमक अपने हिसाब से। ये सारे मसाले इसमें डालते जा रहे हैं, दही डाला, फिर ये प्याज, फिर ये कोकोनट पाउडर, खुशबू का मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, बादाम और ये काजू का पाउडर। सिर्फ धनिया रोस्ट किया है और कोकोनट, दो चीज़ें रोस्ट की हुई हैं। सारी चीज़ें इसी दही में पीस लेंगे, फिर मैरिनेट करेंगे हम लोग। तो देखिए ये तकरीबन 2-2.25 किलो की ये का ये पीस है, इसको हमने ऐसे ऐसे कट लगा लिया थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, अच्छे से मैरिनेट करेंगे इसको। इसमें हमने ये वाइट पार्ट रखा, ये बहुत इससे टेस्ट आएगा। इसके बाद जाएगा इसमें पपीता, और ये पीसा जो हमने पेस्ट बनाया अभी, ये सारा मसाला इसमें लगाएंगे। इसको इस तरीके से अंदर तक मसाला पहुंचाएंगे, तकरीबन 10 मिनट तक ये हम लोगों को करना है दोनों साइड। तो देखेंगे ये हमने ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में, और निकाल के भी इसको थोड़ा सा ऐसे किया है फोर्क से, और अब इसको हम, मेरे पास 10 लीटर का प्रेशर कुकर है, तो हम उसमें इसको ऑयल डालेंगे, प्याज फ्राई करेंगे, और उसमें ये डायरेक्ट डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके सीटी लगा देंगे, 1 सीटी, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। अगर आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर नहीं है, बड़े खुले बर्तन में इसको आप वैसे ही बखार के और छोड़ दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो देखेंगे हम इसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे, 2 मीडियम प्याज डालेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब देखिए प्याज हो गई है, अब हम इसमें ये मसाले का थोड़ा सा पानी है जो कि हमने जार में जो मसाला था उसको धो करके रख लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये प्याज जले ना, और अब हम आराम से डालेंगे इसमें रान। ये सारे मसाले को हल्का सा पानी डाल करके इसमें कर देना, ताकि वो प्रेशर कुकर में पानी भी थोड़ा सा नीचे चाहिए हमको। तो ये 1 सीटी के लिए हम बंद करते हैं, 1 सीटी हो जाएगी फिर फौरन बंद कर देंगे हम, फुल फ्लेम पे हमने रखा है इसको। तो देखिए इसको हमने बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है, ये हल्की आंच पे और 1/2 गल चुकी है ये प्रेशर कुकर में, और 1/2 इसमें गलेगी, अच्छा खासा रोगन भी इसमें आ गया।
अभी इसको हम ढक्कन लगा के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और ऐसी जो उसका शोरबा है, मसाला है, उसके ऊपर डाल देंगे फिर से वापस। तो देखिए ये सिक रही है रान गेठी पे लास्ट, बहुत ज़बरदस्त सी गल गई। तो चलें आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि ये कैसी लगी आपको, और अपनी अगली फरमाइश मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं सूफियाज़ कुक हाउस में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।